हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल चना दाल पकोड़े, जो कि बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा गिलास चावल, साथ में मैं आधा गिलास इसमें लूँगी चना दाल। जितना हमने चावल लिया है उतना ही क्वांटिटी में हम दाल भी लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 से 3 बार इसको अच्छे से वॉश करना है। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाएगा, ये इतने टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं कि आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाते रह जाओगे। तो अच्छे से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाएगा, ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मतलब अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं, बाहर से क्रिस्पी, इतने टेस्टी लगते हैं खाने में। मतलब 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसमें पानी डाल देंगे। जितने दाल उससे डबल हमने पानी डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे तक हम रेस्ट में रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, 3 से 4 घंटे होने के बाद हमने इसका पानी निकाल देना है। अब इसके बाद हम इसको मिक्सी में डाल देंगे और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा मिर्च, अदरक और थोड़ा लहसुन डाल दिया है ताकि टेस्ट इससे काफ़ी अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे हम, ये देखिए फ्रेंड्स, और थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा नहीं डालना, आधा गिलास डालना है, और इसके साथ हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट हमारा रेडी है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा एक कटा हुआ प्याज डाला है, और फ्रेंड्स इसमें मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, बस मैं इसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में हरी मिर्च डाल दी थी, तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और साथ में हल्दी, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, है ना फ्रेंड्स, कितने सिंपल से हैं, मतलब बहुत ही ईजिली बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब मैंने इसमें तेल गर्म हो चुका है, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब गैस को हमने मीडियम फ्लेम में रख देना है और एक बारी बारी से हमने पेस्ट को डालना है। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसको भी बनाना है, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही जल्दी भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो घर पे ज़रूर बनाएगा, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। जब आप बनाओगे यकीन माने सबको ही पसंद आएंगे पकोड़े। ये देखिए, इसको हम पलट देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो, ये आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए, सीरियसली फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मतलब हमने ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं किए, बस हल्का सा थोड़ा सा नमक और हल्दी डाला है। और ये देखिए, हमारे बनके ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे पकौड़े बना देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पकौड़े हैं ये रेडी हो चुके हैं। दिखने में भी इतने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। ये देखिए, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं ये। एक बार ज़रूर बनाएगा, और अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।